नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आज किस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम था कि आज जैसे कि आज मीटिंग होने वाली थी, आप सभी के बार बार कमेंट आ रहे थे। इंस्टाग्राम पर भी आपके जो चैट आ रहे थे उनका मैं रिप्लाई कर रहा था, और उनमें ज्यादातर मैं आप सभी को यही बता रहा था कि आज आपका फैसला हो सकता है, 17 जनवरी को मीटिंग हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आज भी आप सभी के लिए मीटिंग नहीं हुई है। फिर भी आप सभी के, जैसे मैं कोई वीडियो डालता हूँ, अगर आपके लिए कोई नॉलेजेबल वीडियो डालता हूँ, तब भी आप सभी के ज्यादातर उस वीडियो में कमेंट यही रहते हैं कि जो स्कूल एंड कॉलेज है वो कब तक जाकर बंद होने वाले हैं या कब बंद होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं एक तरह से अनुमान लगा रहा था कि जो 17 जनवरी है, 17 जनवरी तक आप सभी के स्कूल बंद करने को लेकर कोई ना कोई अपडेट तो जरूर आ जाएगी। लेकिन देखिए दोस्तों, अभी तक फिलहाल ऐसी कोई भी अपडेट नहीं आई है कि आपके स्कूल कॉलेज बंद किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। और साथ ही मैं आप सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूंगा, इस चीज से जो मैं बोलने जा रहा हूं, इससे आप एक तरह से निराश तो जरूर होंगे, लेकिन ये एक तरह से सच्चाई है। देखो दोस्तों, अभी देखो जो चांसेज है, जैसे कि मैंने आपको पहले जो चांसेज बन रहे थे स्कूल कॉलेज बंद होने के, वो 90 से लेकर 95% बन रहे थे कि स्कूल कॉलेज राजस्थान में बंद हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आज के कोरोना अपडेट की बात करें, आज के जो एक तरह से जो प्रकोप है, जो स्तर चल रहा है कोरोना का, वो तो आप सभी को मालूम है, भली भांति से पता है कि लगातार जो कोरोना का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, आज थोड़ा एक तरह से रुकावट मिली है, कोरोना के जो केसेज है उनमें रुकावट मिली है, और इससे जो मतलब कि चांसेज है, मतलब कि दोस्तों एक तरह से अपन सोचे, अगर जैसे कोरोना के केसेज कम होते हैं तो उससे चांसेज बहुत ही कम हो जाते हैं आपके स्कूल एंड कॉलेज बंद होने को लेकर। और देखिए दोस्तों, अगर आगे चलकर कोई ऐसा अपडेट आता है कि आपके स्कूल कॉलेज बंद किए जाएंगे, तो आप सभी को जरूर अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे जहां तक फिलहाल लग रहा है कि आपके, आप मान लीजिए 80 से 85% ही चांसेज है कि आपके स्कूल कॉलेज बंद किए जा सकते हैं। और देखो, बड़ी चीज तो ये है दोस्तों कि अभी फिलहाल वीकेंड कर्फ्यू भी लग चुका है, साथ में सभी दुकानें बंद की जा रही है, तो इसको लेकर जो कोरोना के मामले हैं वो धीरे धीरे कम होने लग गए हैं। और देखो, आगे की तो, भविष्य की तो कोई कह नहीं सकता। और देखो, आपको मैं बता दूं, एक बार मतलब कि किसी, जैसे मेरे जानकार ने ही, जो हमारे कलेक्टर है, कलेक्टर से मतलब कि एक तरह से मीटिंग की थी, और उस मीटिंग में बिल्कुल क्लियर कर दिया था कलेक्टर साहब ने कि जो ये कोरोना का पीक रहेगा वो 5 फरवरी से 10 फरवरी तक रहने वाला है, उसके बाद जो इसका इस तरह वो धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। लेकिन तब तक आप सभी को सतर्क रहना है। और देखो, अगर स्कूल कॉलेज आप सभी के बंद किए जाएंगे तो एक तरह से माहौल बन जाएगा और ट्वीट बार बार आने लग जाएंगे। तो आज जैसे मैंने सुबह से आप सभी दोस्तों के लिए मैं बार बार मतलब कि अपना जो ट्विटर अकाउंट है वो ओपन कर रहा हूँ, वहां पर चाहे फिर आप मान लीजिए जी राजस्थान देख लीजिए, आरपी ब्रेकिंग यानी कि राजस्थान पत्रिका ब्रेकिंग न्यूज, फर्स्ट इंडिया न्यूज, और काफी ऐसी न्यूज है, न्यूज चैनल है जिनको मैं बार बार वहां पर जाकर उनके ट्वीट देख रहा था। लेकिन किसी भी, यानी दोस्तों किसी भी एक ट्वीट में स्कूल कॉलेज बंद करने को लेकर कोई भी खबर नहीं आई है। सुबह की बात करूं, यानी कि आज सुबह से लेकर अब तक ऐसी कोई भी खबर नहीं आई है कि आपकी स्कूल कॉलेज बंद की जाएगी। और देखो, कुछ ऐसी बड़ी संस्था है वो ये भी बोल रही है कि 2 साल से जो स्टूडेंट है, चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट मान लीजिए, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट मान लीजिए, सभी की जो पढ़ाई है वो काफी बाधित हुई है। इसको लेकर भी सरकार जल्द से जल्द आपकी जो स्कूल कॉलेज है वो बंद नहीं करना चाहेगी। और सरकार को लगता था कि जो नगर निगम और साथ में जो नगर पालिका के अधीन में जितने भी आते हैं, उनमें जो कोरोना का पीक है, जो कोरोना का स्तर है वो काफी बढ़ा हुआ था और काफी एक तरह से केसेज भी आ रहे थे, इसकी वजह से उन्होंने जो ये स्कूल है उनको तो बंद कर दिया, लेकिन जो एक तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल थे उनको उन्होंने अभी तक बंद नहीं किया। उसका रीजन यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो केसेज है वो बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे केसेज आ जाते हैं। जिले के जो जिला कलेक्टर है उनको ये पूरी एक तरह से अधिकार दिए गए हैं। अगर आपको लगता है, अगर जिला कलेक्टर को लगता है कि इस स्कूल में कोरोना केसेस लगातार आ रहे हैं, काफी कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट आ चुके हैं, तो वो उससे स्कूल को बंद कर सकते हैं। तो ऐसा अधिकार जिला कलेक्टर को दिया गया है। और देखो दोस्तों, अगर
कोरोना के मामले लगातार बढ़ते रहे, इसी प्रकार से बढ़ते रहे तो आपकी स्कूल कॉलेज जरूर बंद हो सकती है। लेकिन देखो अभी फिलहाल ऐसा कोई अपडेट आया नहीं है, और देखो मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि आप बार बार फिर से कमेंट करोगे कमेंट बॉक्स में कि स्कूल कॉलेज कब तक बंद होंगे। तो देखिए दोस्तों जो भी खबर आती है हमारे पास उसी को मैं आप सभी को प्रोवाइड करता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई मिनिस्टर हूं जो मुझे कोई कमेटी में जाकर या कोई मीटिंग में जाकर मुझे वहां से पता लग जाएगा कि राजस्थान में स्कूल कॉलेज कब बंद होंगे और जो संपूर्ण लॉकडाउन है वो कब तक जाकर लगने वाला है। तो ऐसा तो मैं आप सभी को बोलने वाला हूं नहीं, क्योंकि आप सभी मेरे वीडियो देख सकते हो और मेरे जैसे कि 8000 सब्सक्राइबर है, ऐसे किसी फेक न्यूज देखकर तो मैंने इतने सब्सक्राइबर गेन तो किए नहीं है, सब कुछ रियल और सबको मालूम होता है। देखो ऐसा पागल तो कोई है नहीं, सबको मालूम होता है कि जो न्यूज मिल रही है हमें वो रियल ही मिल रही है, अगर फेक मिलती तो आप मेरे चैनल को कभी भी सब्सक्राइब नहीं करते। तो इसलिए मैं आप सभी को एक तरह से गाइड कर रहा हूं। देखो आप एक तरह से अगर आप भी काफी एक तरह से विचलित हो रहे हो अपने स्कूल कॉलेज बंद करने को लेकर, देखो मैं तो आप सभी को यही गाइड करूंगा कि आप फिलहाल तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और आगे जाकर कोई भी ऐसा कदम उठाती है सरकार तो आपको सबसे पहले इसी चैनल के द्वारा इसी चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत करिए, और देखो इंस्टाग्राम की स्टोरी पर भी मैं डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। साथ में हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जो भी खबर आती है ना दोस्तों वो सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता हूं और उसी के बाद मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा देता हूं। और अगर ज्यादा आपके कमेंट आते हैं तो उन कमेंट्स का रिप्लाई मैं एक ही वीडियो में देने की कोशिश करता हूं, इसके लिए मैं YouTube पर भी वीडियो अपलोड कर देता हूं। तो साथ में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।